मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई दिलीप जी, हमारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व सांसद मीनाक्षी जी, अरुण यादव साहब, बड़े भाई विवेक तनखा जी, जैन साहब हमारे विधायक, जिलाध्यक्ष महोदय, मंच पर बहुत सारे नेता बैठे हैं और हमारा वो जज्बाती पहलवान कुमावत का है भाई कुमावत, और इस सभा में मौजूद सभी बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माता और बच्चों, साथियों, सभी लोगों ने आप लोगों को बताया चुनाव के बारे में, चुनाव के महत्व के बारे में, वर्तमान सांसद महोदय के बारे में और हमारे भावी सांसद दिलीप भाई के बारे में। ये लोकसभा के चुनाव का अगला चरण मध्य प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा, 13 मई को आपको वोट डालने हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा पूर्व वक्ताओं ने कि मंदसौर जिले से, इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध स्वर्गीय पायलट साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा आपके सुख और दुख में कभी कभी आने का। यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको, मुझको, मेरे परिवार को बहुत सानिध्य दिया है, बहुत संबल दिया है, बहुत प्रेम और आशीर्वाद बना के रखा, उसके लिए मैं तमाम जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों का हमेशा मैं एहसान मानूंगा। ये चुनाव देश भर में हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमारी कोशिश है कम से कम कांग्रेस पार्टी की कि ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है, किसान और किसानी को मजबूत करता है। लेकिन मुझे खेद है कि जो दल आज सत्ता में है उनकी कोशिश है कि 10 साल राज करने के बाद एक बार पुनः ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो जनता के जज्बातों को भड़काते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बहुत सोच समझकर सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने आपके बीच दिलीप जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे बनाया है। एक किसान का बेटा जो ग्रामीण परिपेक्ष में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा तक पहुंचा, और दिलीप जी को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, स्वर्गीय पायलट साहब के समय से, ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र की, इलाके की, जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं, इसलिए हम सब इनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका, 102 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ गए। अब वोट पड़ने के बाद भाजपा भी बड़ी चतुर पार्टी है, उनको पता पड़ गया कि मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ मामले को ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये मुद्दे छोड़ दो, किसान के, रोजगार के, निवेश के, उद्योग के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क के, अस्पताल के, स्कूलों के, छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं घुसपैठियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, क्योंकि इन मुद्दों में भाषण देने मजा आता है, जनता को ताली बजाने मजा आता है। और हम लोगों ने सिद्धांत की बात अपनाई है कि हम लोग सरकार बनने के बाद, और ये कांग्रेस पार्टी की औपचारिक घोषणा है, यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे हैं, देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, 10 साल बीजेपी की सरकार रही पूर्ण बहुमत की, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसानों की आत्मा आज गवाही दे रही है, जो मर गए बेचारे हमारे किसान भाई, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाए। बीजेपी चाहती थी कि इस देश में मंडियों को समाप्त कर दो, सरकार जो फसल खरीदती है उसको समाप्त कर दो और चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की अनाज मंडियां सौंप दो। अब जब देश की अनाज मंडी निजी हाथों में चली जाएगी तो कालाबाजारी, जमाखोरी, इन लोगों को करने का मौका मिलेगा। हम लोगों ने विरोध किया और केंद्र सरकार को झुककर वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब वापस लेते वक्त कहा था हम किसान की खरीद पर एक कानून बनाएंगे, झूठ बोला था। आज कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम सरकार बनाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून बनाएंगे, देश में पहली बार कानून बनेगा फसल खरीद का, ये लोग अब बेईमानी नहीं कर सकते। हमने कानून बनाया रोजगार का, 100 दिन का रोजगार गांव में चलता नरेगा के काम, ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, 30 लाख पद
केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं। और आप देखो साहब ये कितने कलाकार लोग हैं, 10 साल राज में हो गए बीजेपी को, 10 साल राज कर लिया लेकिन पेट भरा नहीं, कैसा 5 साल और दे दो हमारे को। क्यों? अब बात करते हैं 2047 की, अभी तो अमृतकाल चल रहा है, 2047 की बात कर रहे हैं। तो खुद के लिए तो 10+5 15 साल मांग रहे हैं, और जो नौजवान देशभक्त हमारे बच्चे फौज में जाना चाहते हैं उनको भर्ती के कर रहे अग्निवीर, 4 साल में रिटायर। तो फौजी में जो बंदा बच्चा फौज में जाए वो 4 साल में रिटायर और खुद के लिए 15 साल, ये सोच है भाजपा की और सरकार की। इस सरकार को बदलने का समय आ गया, देश में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। देश भर के लोग भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब मांग रहे हैं। ये क्या सरकार है? 147 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया, विपक्ष के 147 सांसदों को संसद के बाहर निकाल दिया, निलंबित कर दिया और पिछले दरवाजे से कानून पारित कर दिए। दो दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है। कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, हमारी पार्टी के खाते बंद कर दिए। 1994 में कोई नोटिस गया होगा, चंद लाख रुपए का कोई, 1994 के नोटिस का हवाला देते हुए कांग्रेस के खाते बंद कर दिए। वो तो धन्य सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हमारे खाते खुलवा दिए। आप खाते बंद कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, 147 सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, कांग्रेस मुक्त का नारा दे दो, ये क्या लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र का मतलब वोट डालना नहीं होता साथियों, हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, ये लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, वहां की लोकतंत्र, वहां की जमहूरियत, वहां का गणतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश का मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खून पसीने से सींचा है, 70 साल से अलग अलग सरकारें बनी, उन संस्थाओं को पोषित किया, सुरक्षित रखा, उनकी पारदर्शिता को, उनकी विश्वसनीयता को कभी आंच नहीं आने दी। आज चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था, निर्वाचन अधिकारी बैठ के खुद वोटों को खराब कर रहा था, आपने देखा वो वीडियो? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया बीच में, तब न्याय हुआ। इस देश में जितना महत्व सरकार का है उतना महत्व विपक्ष का भी है, लेकिन विपक्ष का आप गला घोट दो, विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हो। एक वो समय था जब गैर कांग्रेस सरकारें थीं, और मैं तो कहता हूं कोई भी चुनाव जीते, ये पार्टियां, ये दल, ये सरकारें, ये देश से बड़ी नहीं है, लेकिन देश की संस्थाओं को खोखला करना चाहते हो, नीतिगत तरीके से उन संस्थाओं के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और मैं आम नागरिकों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मंदसौर के जिले के लोगों से, ये वोट सिर्फ दिलीप भाई को सांसद बनाने का नहीं, ये वोट अपने भविष्य को सुरक्षित करने का है। अरे पार्टियां बनी है, टूट गई है, सरकारें बनी हट गई हैं, लेकिन देश यहीं का यहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में भूल जाओ क्या जाति, बिरादरी, गोत्र, लिंग, भाषा, ये सब पुरानी बातें हैं, भविष्य को देखना है। देश को अगर मजबूत रखना है तो हम लोगों को उन लोगों को चुनना चाहिए जो हमारे संविधान का सम्मान करते हैं। क्या कारण है भाजपा के नेता बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? मैंने पूछा ये नौबत क्यों आई कि आपको सफाई देनी पड़ रही है, बिना आग के धुआं होता ही नहीं है। कभी आपने सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि मैं संविधान से छेड़छाड़ नहीं करूंगा? कभी आपने सुना मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि हम आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, आप लोग इस बात को समझो। आज नामांकन भरा है आपके भरोसे पर भरा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, नौजवान जीतू पटवारी जी। मैंने बैठा, मैंने उम्र पूछी, मैंने कहा जीतू जी आपकी उम्र कितनी है? ये मेरे को बोल रहे थे, मैं भी देखता हूं जीतू जी बहुत वर्जिश करते हैं, हट्टे खट्टे हैं, 2-3 को तो ये लगे लपड़ में, कभी झगड़ा आपस में हो जाए। नाक्षी बहन आप जानती हैं, हम सब जब संघर्ष होता था, कभी कोई लाठी चार्ज हो जाता था, कोई धक्के देता, तो पहले हम तो जीतू आगे कर देते थे, वहां मोटी है,
हट्टे खट्टे हैं, बहुत से टक्कर ले सकते हैं। ये नौजवान अध्यक्ष बने हैं और इनको जो चुनौतीपूर्ण काम दिया है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, कि नौजवान व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने को दी है। अरुण जी के स्वर्गीय पिताजी, उनके साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला, अरुण जी के साथ काम करने का मौका मिला संसद के अंदर। मीनाक्षी जी हम संसद में खट्टे थे। तनका साहब आज एक ऐसे वकील हैं जिनका देश दुनिया में नाम है, लेकिन फिर भी वो हर कांग्रेस कार्यकर्ता की दिक्कत को समझकर हर संभव करने की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये समर्पित लोग जो पार्टी के हैं, ये आपके आशीर्वाद के कायल हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आज दिलीप जी को जिताकर भेजो। मैं आपको आश्वासित करता हूँ, जीतने के बाद ये दिल्ली में बैठकर आपकी हर बात को मजबूती से रखेंगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका नाम रोशन करेंगे। और इन्होंने भी बहुत रगड़ाई इनकी हुई है, लेकिन आज तक इनके दामन पर को काला छींटा नहीं लगा है। राजनीति में अपनी छवि को, अपने आप को बचा कर रखना बड़ा बहुत मोटा काम है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने आज इतनी बड़ी तादाद में आपने आप उपस्थित दर्ज कराई है। अब 13 मई को मेरे साथ नारा देना। एक नारा जीतू जी ने दिया, गई और मई, मैं नारा देता हूँ, मेरे साथ बोलना आप। 13 मई को वोट पड़ेगा, कांग्रेस के कर दो डब्बे फुल और भाजपा को कर दो गुल। ठीक है, कांग्रेस के डब्बे कर दो और भाजपा कर दो। अब आपको याद रखना है, हाथ का निशान है, बटन दबाकर भारी बहुमत से दोनों हाथ खड़े करो पहले तो सबके सब। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा 1900। लेकिन पेट पुत्र की आप लोगों का हमेशा है। जीतू पटवारी जी, पूर्व सांसद मीनाक्षी जी, अरुण यादव साहब,